हेलो दोस्तों, मैं हूं शुभम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टेक्निकल नॉलेज में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूं देश और दुनिया जुड़ी क्वेश्चन टेक अपडेट्स। चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों पहली अपडेट है यहाँ पर ओप्पो की तरफ से। दोस्तों MWC संडे 2019 में यहाँ पर ओप्पो ने अपने जो अंडर स्क्रीन कैमरा टेक्नोलॉजी है उसके यहाँ पर प्रोटोटाइप जो है सामने लेके आया है। जो दोस्तों साथ ही यहाँ पर ओप्पो अपनी एक नई टेक्नोलॉजी भी लेके आया जो कि है यहाँ पर मैश टॉक टेक्नोलॉजी। दोस्तों इस टेक्नोलॉजी की मदद से आप यहाँ पर 3 किलोमीटर की रेंज में यहाँ पर आप बात कर सकते हैं, वो बिना किसी नेटवर्क बिना किसी वाईफाई नेटवर्क के आप कम्युनिकेशन जो है उसको इनेबल कर सकते हो। बाकी दोस्तों अभी ये कुछ इस बारे में नहीं पता कि आपकी अंडर स्क्रीन जो कैमरा है और साथ ही टेक्नोलॉजी अंडर स्क्रीन कैमरा टेक्नोलॉजी है और साथ ही जो इसकी मैश टॉक टेक्नोलॉजी है ये कब तक आएगी और किस फोन में आएगी, इसके बारे में कोई जानकारी निकल के नहीं आई है। दोस्तों अगली अपडेट है वो यहाँ पर Xiaomi के बारे में। दोस्तों यहाँ पर Xiaomi के जो Mi CC9e स्मार्टफोन है उसके यहाँ पर स्पेसिफिकेशन कुछ लीक हो गई हैं। इन लीक के अनुसार दोस्तों हम बात करते हैं इसकी स्पेक की, तो वो यहाँ पर है इसमें आपको 5.97 इंचेस की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी। साथ ही इसमें आपको स्नैपड्रैगन 710 प्रोसेसर देखने को मिलेगा। इसमें यदि बात करते हैं कैमरा की तो आपको 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल और प्लस 5 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। जिसमें जो 48 मेगापिक्सल कैमरा है उसमें आपको सोनी का IMX 583 सेंसर देखने को मिलेगा और साथ ही दोस्तों इसमें आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। और दोस्तों इसके लिए हम बात करते हैं वेरिएंट की, तो इसमें आपको 4GB रैम 64GB स्टोरेज, 4GB रैम 128GB स्टोरेज, 6GB रैम 64GB स्टोरेज और साथ ही 6GB रैम 128GB स्टोरेज जो है वेरिएंट देखने को मिलेगा। यहाँ पर कुछ लीक निकल कि आई थिंक इसमें आपको 8GB रैम वेरिएंट भी देखने को मिलेगा, मैं जब लॉन्च होगा तब पता चलेगा। और जो प्राइस की बात करें जो कि यहाँ पर लीक होकर आई है वो यहाँ पर 6GB रैम और 64GB स्टोरेज वेरिएंट है, उसकी प्राइस लगभग 16,100 रुपये और साथ ही जो इसका 6GB रैम 128GB स्टोरेज वेरिएंट है उसकी प्राइस निकल के लगभग 26,200 रुपये। अगर जैसे वो लॉन्च होता है तो इसके बारे में क्लियर इस पे वो क्लियर प्राइस क्या होती है वो हमको पता चल जाएंगे। दोस्तों अगली अपडेट यहाँ पर व्हाट्सएप के बारे में। दोस्तों यदि आप यूज़ करते हैं पुराना स्मार्टफोन जो कि हो चाहे एंड्रॉयड चाहे iOS, मतलब यदि आपके पास है कोई ऐसा स्मार्टफोन एंड्रॉयड का जो कि यहाँ पर 4.0 एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम से पहले के OS पर काम करता है, यदि आपके पास है कोई ऐसा आईफोन जो कि यहाँ पर iOS 8 से कम पे वर्क करता है तो आपके लिए एक सैड न्यूज है, क्योंकि यहाँ पर व्हाट्सएप जो है उसने यहाँ पर क्लियरली बोल दिया है कि अब एंड्रॉयड 4.0 और साथ ही iOS 8 से जो कम के OS रहेंगे उन पे यहाँ पर WhatsApp अपना सपोर्ट जो है बंद करने वाला है 2020 में। तो दोस्तों यदि आपके पास है कोई ऐसा स्मार्टफोन जिसमें कि iOS 7 और साथ ही एंड्रॉयड 4 से कम का OS चल रहा है तो आप अपने स्मार्टफोन को आप चेंज कर लीजिए, क्योंकि इसका टाइम आ गया है, आपका जो आप स्मार्टफोन है उसको अपग्रेड कर लीजिए। दोस्तों अगली अपडेट है वो यहाँ पर Realme X के बारे में। दोस्तों माधव सर की तरफ से यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन निकल के आई जो कि कन्फर्म इन्फॉर्मेशन है कि आपका जो Realme X जो आने वाला है उसमें यहाँ पर स्पाइडरमैन एडिशन देखने को मिलेगा, ये एक कन्फर्म हो चुका है कि और यहाँ पर हमको पहले पता भी चल रहा था कि Realme X पे एक नया वेरियंट आएगा, एक अलग से वेरियंट देखने को मिलेगा स्पेशल वेरियंट, तो यहाँ पर वो रहेगा स्पाइडरमैन का वेरियंट। दोस्तों ये चीज़ कन्फर्म भी हो सकती है, हो गई है कि यहाँ पर Realme X का जो है स्पाइडरमैन वेरिएंट देखने को मिलेगा। दोस्तों अगले अपडेट है वो यहाँ पर एप्पल की तरफ से आए हुए नए पैटर्न के बारे में। दोस्तों यहाँ पर एप्पल की जो स्मार्ट वॉच है उसका एक नया पैटर्न निकल के आया है जिसके अनुसार यहाँ पर आपको जो कैमरा है वो यहाँ पर एडजस्टेबल कैमरा देखने को मिलेगा। दोस्तों जो ऐसी आती है स्मार्ट वॉच उसमें आपको कैमरा तो मिलता है बट वो फिक्स होता है, बट दोस्तों यहाँ पर एप्पल ने एक पैटर्न फाइल किया है जिसके अनुसार आपको यहाँ पर एडजस्टेबल कैमरा देखने को मिलेगा, जिसको क्या कहीं भी रोटेट करके किसी भी तरीके से एडजस्ट करके आप यहाँ पर फोटोज जो है वो कैप्चर कर सकते हैं। बाकी देखते हैं दोस्तों कब तक ही आता है और किस प्राइस में आता है, प्राइस तो वैसे दमदार ही रहेगी, किस प्राइस में आता है ये हम देखते हैं आगे चल के जब ये जो वॉच है वो लॉन्च होती है। दोस्तों अगले अपडेट हम यहाँ पर Redmi Note 7 Pro के बारे में। दोस्तों यदि आप Redmi Note 7 Pro खरीदना चाहते हैं और आप इसकी फ्लैश सेल में नहीं खरीद पा रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अब 30 जून तक जो आपका Redmi Note 7 Pro है उसका जो हायर वेरियंट है जो कि है 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वो आपको आप फ्लैश सेल में नहीं आपको ओपन सेल में मिलेगा। यदि आप इसको खरीदना चाहते हैं तो आप जल्दी से इसको खरीद लीजिए इन वेबसाइट पर जाकर जो कि है MI.com और साथ ही फ्लिपकार्ट, इन पर जाकर आप इसको खरीद सकते हैं ओपन सेल में, वो भी 30 जून तक। यदि आप खरीदना चाहते हैं तो आप इसको जल्द से जल्द खरीद लीजिए। दोस्तों अगले अपडेट है यहाँ पर Realme 3 के बारे में। दोस्तों यहाँ पर Realme 3 का नया कलर वेरियंट सामने निकल के आया है। दोस्तों जब ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था यहाँ पर दो वेरियंट हमको देखने को मिले जिसमें कि आपका था डायनेमिक ब्लैक और साथ ही यहाँ पर रेडियंट ब्लू। दोस्तों लेकिन अभी रिसेंटली यहाँ पर नया एक कलर वेरियंट निकल के आया जो है यहाँ पर डायमंड
डायमंड रेड। दोस्तों ये जो इसमें इन्फॉर्मेशन है ये निकल के आई है ट्विटर ईशान अग्रवाल की तरफ से। दोस्तों उन्होंने ट्वीट करके बताया कि यहाँ पर एक नया जो है वेरियंट सामने आ रहा है, कलर वेरियंट जो कि यहाँ पर रेड कलर का हो, इसमें काफ़ी अच्छा जो है रियलमी 3 यहाँ पर लग रहा है। दोस्तों आज के लिए वैसे इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना भूलिए। साथ में जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उस सारे बेल आइकन उसको दबा दीजिए, इसमें कोई भी वीडियो अपलोड हुई उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगी आपके पास। दोस्तों आज से मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।